19 जनवरी 2019 डकार सेनेगल। जब 51 वर्षीय एंथनी फर्नांडेस सैलून पहुंचे, उन्हें क्या पता था कि वो उस देश में आखिरी बार बाल कटवा रहे थे, क्योंकि नजदीक में सतर्क 3 बसों में भरी पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। जब मैंगलुरु के एसीपी अमर कुमार पांडे ने सादे कपड़े पहने हुए सैलून में प्रवेश किया, रवि पुजारी, जब एंथनी फर्नांडिस ने पीछे मुड़कर देखा, तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है पुजारी। जैसे ही डकार पुलिस ने फर्नांडिस को घेरा, मैं पुजारी नहीं, मैं एंथनी फर्नांडिस हूँ बुर्किना फासो से। लेकिन पांडे ऐसी समस्या के लिए तैयार आए थे और उन्होंने अपने साथ रखा हुआ डिजिटल फिंगरप्रिंट स्कैनर बाहर निकाला। कथित ड्रग तस्कर जबरन वसूली करने वाला गैंगस्टर रवि सुलिया पुजारी के खिलाफ 200 से अधिक मामले दर्ज थे, और जो पिछले 17 सालों से पुलिस को चकमा देते हुए आ रहा था, उसका चेहरा भी किसी को ठीक तरह से पता नहीं था। जो एक फोटो पुलिस के पास थी वो 1994 में खींची गई थी। हाँ, पर पुलिस के पास उसके अंगूठे के निशान जरूर थे, मगर असलियत में एक चिट्ठी थी उनके एक सहयोगी की, जिसे पुजारी ने बिजनेस में धोखा दिया था, जो उसकी गिरफ्तारी का सबब बना। पुजारी अपना नाम बदलकर खुद को एंथनी फर्नांडिस बुलाता है। वो नमस्ते इंडिया नामक बुर्किना फासो सेनेगल और आइवरी कोस्ट में 11 रेस्टोरेंट की श्रृंखला चलाता है। उसका घर बुर्किना फासो में कंबोडिया इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल के बगल में है। सर, मेरे पास सबूत है और मैं उसे पकड़ सकता हूँ, कृपया मुझे जाने की इजाजत दीजिए। नौकरशाही को उनको इजाजत देने में 3 साल लग गए, लेकिन सेनेगल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पुजारी ने चतुराई दिखाई और खुद के खिलाफ धोखाधड़ी का एक झूठा केस दर्ज करवाकर प्रत्यर्पण प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया। सेनेगल कानून तब तक प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं देता जब तक आरोपी के खिलाफ देश में सभी मामले पर फैसला नहीं किया जाता। फिर जमानत हासिल करके पुजारी एक बार फिर कानून की उंगलियों से बचकर अंडरग्राउंड हो गया और कई अफ्रीकी देशों में छिपता रहा। पुजारी उन आखिरी अंडरवर्ल्ड डॉन में से था जिसने जबरन वसूली कर बॉलीवुड सितारों की नाक में दम कर रखा था। आरोप है कि 2006 में उनके गुंडों ने बॉलीवुड निर्माता निर्देशक महेश भट्ट के ऑफिस में घुसकर गोलियां चलाकर उन्हें डराने या मारने की कोशिश की थी। फिर निर्माता करीम मुरानी के ऑफिस पर शूटिंग के बाद चेतावनी दी कि ये केवल एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म आनी बाकी थी। सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे लोकप्रिय अभिनेताओं को भी जबरन वसूली की धमकी दी और शाहरुख खान को डराते हुए मांग की, अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के विदेशी क्षेत्र के राइट्स मुझे दे दो। असल में वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री थी जो कि 1970 के दशक में इस दुनिया से प्रेरित हुई, जब लेखक सलीम जावेद गैंगस्टर हाजी मस्तान से मिले। उन्हें हाजी मस्तान की रंग से राजा वाली कहानी बड़ी दिलचस्प लगी। हमें उनके जीवन पर एक फिल्म बनानी चाहिए, जिसका नतीजा था 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार, जिसमें अमिताभ बच्चन ने हाजी मस्तान के गोदी कार्यकर्ता का वास्तविक जीवन को हूबहू निभाया। कमल हासन भी अंडरवर्ल्ड डॉन वर्ध राजन से बड़े प्रभावित हुए, जिन पर उन्होंने तमिल में नायकन फिल्म बनाई जो एक बड़ी हिट बनी। फिल्मों का इन गैंगस्टर पर इतना प्रभाव था कि रवि पुजारी का नकली नाम एंथनी फर्नांडिस दरअसल आया था अमिताभ बच्चन के अमर अकबर एंथोनी फिल्म से, एंथोनी गोंजाल्विस पर। इस आकर्षण से वे इतना खुश हुए कि दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टरों ने शारजहां में पार्टियों और क्रिकेट मैचों के लिए फिल्मी सितारों को आमंत्रित किया, जिनमें से कुछ गए भी। तब तक बॉलीवुड फिल्म बनाई जाती थी कुछ खुद के पैसों से, कुछ बिजनेस वालों के नकद से, जिसका ब्याज 30-40% प्रति वर्ष ऊंचा रहता था। कई डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने क्षेत्र में फिल्म के अधिकार के सामने निर्माता को पैसे देते थे, जिस प्रणाली से कई दिवालिया भी हुए जब फिल्म चली नहीं। ब्याज की इन उच्च दरों को देख अंडरवर्ल्ड ने अपने अवैध धन के साथ फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंसिंग में कदम रखा। कुछ स्थापित फिल्म परिवारों को छोड़कर जल्द ही बॉलीवुड की नसों में अंडरवर्ल्ड का काला धन दौड़ने लगा। ऐसा माना जाता है कि 1990 के दशक की कई हीरोइन अंडरवर्ल्ड डॉन के कनेक्शन के कारण ही फिल्म इंडस्ट्री में आई, मोनिका बेदी, मंदाकिनी, ममता कुलकर्णी। हालांकि 1993 के मुंबई विस्फोट में अपने पिता के बैंड्रा घर में हथियार रखने के लिए संजय दत्त को दी गई 5 साल जेल की सजा ने इस श्रृंखला में मोड़ लाया। फिल्म वाले धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड से दूर रहने लगे जब पुलिस ने नाजिम रिजवी और भरत शाह जैसे निर्माताओं और अबू सलेम जैसे फाइनेंसरों पर शिकंजा कसा। 2001 में जोड़ी नंबर 1 और चोरी चोरी चुपके चुपके अंडरवर्ल्ड द्वारा फाइनेंस की जाने वाली शायद आखिरी फिल्में थी। पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के बारे में गवाही देने के लिए कई बॉलीवुड के सितारों को अदालत में भी घसीटा, लेकिन ब्रिटिश जिंटा को छोड़कर किसी ने मुंह नहीं खोला। मुझे अंडरवर्ल्ड से फोन आया और बोला कि 50 लाख रुपए दे दो, ये कहते हुए कि वो भाई का आदमी है। अंडरवर्ल्ड की क्रूरता से बॉलीवुड इतना डरा हुआ था कि एक बार गैंगस्टर छोटा शकील ने शाहरुख को मजबूर किया
खान साहब, इस फिल्म की स्क्रिप्ट तो आपको सुननी ही पड़ेगी। कई सालों के बाद जब मुंबई पुलिस ने सलमान खान और ऐश्वर्या राय के फोन टैप किए, तब पता चला कि सलमान खान ने चोरी चोरी चुपके चुपके अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के दबाव में की थी। भाई ने बोला तो फिर तो करना ही पड़ेगा क्या। उस वक्त जब मुंबई पुलिस शहर का गुंडा राज खत्म कर रही थी, तभी वहाँ एंट्री हुई रवि पुजारी की। तब तक बॉलीवुड शोमैन सुभाष घई को यह एहसास हो गया था, संदिग्ध फाइनेंसरों के दिन अब खत्म हो चुके हैं और अगर मुझे फिल्में बनाते रहना है तो मेरे पास पैसों का एक सही स्रोत होना चाहिए। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बॉलीवुड के इतिहास में किसी ने शायद नहीं सोचा होगा। जुलाई 2000 में उन्होंने अपनी कंपनी मुक्ता आर्ट्स का मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 100 करोड़ रुपए से सूचीबद्ध किया। 3 महीनों के बाद टेलीविजन महारानी एकता कपूर ने भी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी बालाजी टेली फिल्म्स लॉन्च की। लेकिन हर कोई तो आईपीओ नहीं निकाल सकता ना, और इसी खामी को पूरा करने के लिए आईडीबीआई बैंक ने हाथ बढ़ाया 7 करोड़ के चेक के साथ 16% ब्याज पर। 2002 की फिल्म आंखें का आधा बजट बॉलीवुड की पहली पिक्चर जिसको किसी बैंक ने फाइनेंस किया। अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की ये फिल्म सुपर हिट रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 34 करोड़ की कमाई की और 4 करोड़ का लाभ कमाया, जो 2002 में काफी बड़ी रकम हुआ करती थी। इस कामयाबी के बाद कानूनी वित्त पोषण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1960 में मुगले आजम का शापूरजी बलौंजी द्वारा निर्मित किए जाने के अलावा फाइनेंस और बॉलीवुड की नौकाएं जो एक शहर में हुआ करती थी कभी एक साथ काम नहीं करते थे। उस समय तक टाटा ने 2003 में जॉन इब्राहिम, बिपाशा बसु, अमिताभ बच्चन को लेकर एतबार फिल्म बनाई। कुमार मंगलम बिरला की एप्लॉज एंटरटेनमेंट ने एक के बाद एक दो फिल्में ब्लैक और देव रिलीज की। 2004 में यश चोपड़ा की फिल्म वीर जारा को एक्सिम बैंक ने 13 करोड़ रुपए देकर फाइनेंस किया, जबकि आईडीबीआई बैंक ने करण जौहर को अपनी फिल्म कभी अलविदा न कहना के लिए फंड दिया। जिस समय नगद और अंडरवर्ल्ड के पैसों से फिल्म बना करती थी, तब ब्याज का दर 36% प्रति वर्ष हुआ करता था, जो जल्द ही 9-10% प्रति वर्ष हो गया। फिर वायकॉम 18, इरोस इंटरनेशनल, रिलायंस एंटरटेनमेंट और यूटीवी ने कारोबार में प्रवेश किया, और उनके पीछे पीछे हॉलीवुड स्टूडियो, वॉल्ट डिज्नी, फॉक्सटार और सोनी भी आ गए। बॉलीवुड के प्रमुख अभिनेता भी अब खुद निर्माता बन गए हैं। शाहरुख खान का बैनर रेड चिलीज, फरहान अख्तर का एक्सेल एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड का असंगठित धंधा जब एक व्यवसाय बन गया, तब गैंगस्टर जबरन वसूली के कारोबार की ओर मुड़े। पुजारी पर कर्नाटक में जबरन वसूली के 96 मामले दर्ज हैं। पुजारी का सेनेगल में जमानत पर भागने के बाद उनके राष्ट्रपति मैकी सेल, जिन्होंने इटली और चीन के कई कुख्यात अपराधियों को भी पकड़ने में मदद की, जाओ पुजारी को ढूंढो। सेनेगल के अधिकारियों ने डॉन का पीछा करते हुए उसे दक्षिण अफ्रीका में पकड़ा, सेनेगल में वापस लाया गया और एक साल बाद फरवरी 2020 में कर्नाटक पुलिस उसे भारत में लेकर आई। एक अन्य गैंगस्टर सुनील गायकवाड़, जिसने 11 साल पहले राकेश रोशन पर गोली चलाई थी और जो इस साल जून में पैरोल पर भागा था, उसे भी अक्टूबर में फिर से गिरफ्तार किया गया। पुजारी की गिरफ्तारी के बाद मुंबई में जबरन वसूली कम तो हुई, लेकिन बंद नहीं हुई। पिछले 2 महीनों में ऐसे सिर्फ 4 कॉल किए गए, लेकिन 4 भी नहीं होने चाहिए थे। 2007 बेंगलुरु में शबनम डेवलपर्स ऑफिस में जिस शूटर ने गोली चलाकर 2 लोगों की हत्या की, जिस मामले के कारण पुजारी का प्रत्यर्पण हुआ, उसे भी अब गिरफ्तार किया गया। जैसा कि अक्सर होता है, एक अंडरवर्ल्ड पुलिस की सांठगांठ का पर्दाफाश भी किया गया, जिसमें एसीपी वेंकटेश प्रसन्ना कथित तौर पर पुजारी को जांच की गोपनीय जानकारी देते रहते थे। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुख्यात अंडरवर्ल्ड का सफाया करने के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्रियों को छोटी छोटी चीजों के बहाने परेशान किया जा रहा है। बिस्बो की शायरी, अंडरवर्ल्ड ने खूब भी बॉलीवुड की जान, जबरन वसूली का खंजर रखा था सर पर तान, सही रास्ते की फंडिंग ने बदल दिए हालात, बिस्बो कहता बीत गई अब डर की काली रात। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।